तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्चुअल रैम या फिर बोल सकते हैं रैम प्लस वाले फीचर को। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर अभी लेटेस्ट में हर मोबाइल में आपको लगभग मिल ही रही है वर्चुअल रैम। किसी में वर्चुअल रैम कहते हैं, किसी में रैम प्लस कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है ये वर्चुअल रैम और रैम प्लस। वर्चुअल रैम एक होता है कि आपके मोबाइल की लाइक 128 GB मेमोरी है या 256 मेमोरी है, 64 MB मेमोरी, 64 GB मेमोरी, उसमें से कुछ स्पेस को वो हटा देगा। लाइक आपने 3 GB या 4 GB का स्पेस दे दिया रैम के लिए, रैम आपके मोबाइल की जो रैम है एक्चुअल 8 GB थी, आपने 3 GB और दे दिया तो लगभग आपकी 11 GB की रैम हो गई है, जिससे आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बढ़ती है, ऐसा आप और हम लोग सोचते हैं। बट होता क्या है दोस्तों, फ़र्क पड़ता है बिल्कुल नॉमिनल सा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल में। जो 11 GB वाला, अगर जिसके पास 12 GB की रैम होगी और आपने 8+4 वर्चुअल रैम करने के बाद उसको डाला होगा, तो दोनों मोबाइल को चलाएंगे फ़र्क आएगा। जो एक्चुअल 12 GB रैम है वो अलग से वर्क करेगी और जिसमें वर्चुअल रैम ऐड होगी वो अलग वर्क करेगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, नॉमिनल सा फ़र्क है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने अपने मोबाइल में वर्चुअल रैम को ऑन करके रखा है तो मेरा पर्सनल सजेशन है उसको ऑफ़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि होता क्या है, आप यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा टास्किंग करते होंगे तो आपको ज़रूरत है, बाकी अगर नॉर्मल टास्क करते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें होता क्या, वर्चुअल रैम में लाइक आपने 10-15 ऐप्स खोल लिए, लाइक फेसबुक, यूट्यूब खोल लिया, कैलकुलेटर खोल लिया, गैलरी खोल ली, और भी ऐसी 4-5 ऐप्स खोल ली। पर जैसे कि जो ऐप, जो वर्चुअल जो ऐप ऐसी हैं जो रनिंग में मेंटेन करती है, लाइक जो व्हाट्सअप पे उसमें मैसेज कंटिन्यू आते रहते हैं, सिग्नलाइजेशन होती है, फेसबुक पे उसमें मैसेज आते हैं सिग्नलाइजेशन होती है, इंस्टाग्राम सिग्नलाइजेशन होती है, तो ये वर्चुअल रैम में नहीं जाएगी। वो वर्चुअल रैम में कौन कौन सी ऐप जाएंगी, कैलकुलेटर, गैलरी और जो ऐसी ऐप जो ऑटोमेटिक सिग्नलाइजेशन नहीं होती वो चली जाएंगी आपकी वर्चुअल रैम में, और जो सिग्नलाइजेशन होती रहती है वो रहेगी नॉर्मल रैम में। मेनली वही लोग वाली ऐप्स को ही यूज़ करते हैं जो कंटिन्यूस सिग्नलाइजेशन होती है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल वैसी रहने वाली है जैसी विदाउट वर्चुअल रैम थी। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, लाइक आपके मोबाइल की है 64 GB, आपने उसमें 4 GB दे दी आपको वर्चुअल रैम के लिए, 8-10 GB आपके चले गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, आपके पास बचा कितना 40-50 GB। तो आज की डेट में 40-50 GB होता भी कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको नहीं करना चाहिए, इसको बंद करके रखना चाहिए। उसके बाद चलाओगे तो परफॉर्मेंस में बेटर मिलेगा। मैंने अपने मोबाइल में ही बंद करके रखा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस आपको नॉर्मल सजेशन यही दे रहा था कि आपको उसको बंद करके रखना चाहिए, कोई यूज़ के नहीं। अगर आपको रियल में परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है तो आपको वही मोबाइल लेना चाहिए जिसका रैम आपको ज़रूरत, लाइक आपको अगर ज़रूरत है 12 GB की रैम की, तो आपको एक्चुअल में 12 GB की रैम वाला मोबाइल ही खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 GB आपकी मोबाइल मेमोरी और आपने 4 GB रैम डाल दिए, फिर 4 GB वर्चुअल डाल दिए और उसको यूज़ करेंगे तो आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगी जो एक्चुअल 12 GB मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको नॉर्मली इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल रैम यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बन रखी है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, जाके आप ज़रूर देखेगा। तो थैंक यू दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, हम डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।